ठीक है ना? हाँ, तो घर का खाना खाने को मिलेगा। ओपनिंग हुई नहीं कि टॉयलेट की मचमच शुरू। लगता है आधों को भारी हो जाएगी। अब आएगा मजा। देखो नटू भाई, इधर है ना जेल के अंदर तो अपुन का राज चल रहा है। वो तो वो देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है साला नया अंडर ट्रायल 376। इसे कली लाया गया है, अंडर ट्रायल प्रिजनर 307-376। इसे यही रखा तो कैदी इसे मार देंगे। इसे अभी और इसी वक्त सेफ यार्ड में शिफ्ट करो। यस सर। अरे जेलर साहब, इसे सेफ यार्ड में रखो या स्कॉटलैंड यार्ड में। हम इस साले को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कोर्ट का मुंह नहीं देख पाएगा सर। तेरा ट्रायल इसी जेल में ही होगा। इसका जनाजा यही निकालेंगे। वोट लगा दिया इसकी, तब आजा मजा। माँ का तिरपा चल आत्मा दे, चल तेरे। इसके साथ यही सलूक होना चाहिए, लेकिन अफसोस इसकी हिफाजत हमारी ड्यूटी है। चला पांच नंबर मध्य टक। आओ साहब। गुड मॉर्निंग जेलर साहब। वाह, जेल में भी तुम्हारी मॉर्निंग गुड है। अभी क्या करेगा साहब, सर पे आए तो भुगतना ही पड़ेगा ना। साला, बस इसको तो खाली बोलने का है। दो कपड़ा बाकी रह गया, एक धोटा है दूसरा पहनता है। ये हरामजादा कैदी लोग, साला मेरा कपड़ा हंडी में जला जला के दाल सब्जी पका के खा गया साला। अरे ये जेल है कि क्या है, 2400 घंटे साला हंडी और कुंडी चलता ही रहता है, इधर वायरस की तरफ है। चल खोल। अरे नाजिर साहब प्रार्थना कर रहे हैं। नादिर साहब, ये सागर हुसैन है, जनरल यार्ड में था। वहाँ के कैदी इसकी जान लेने पर तुले हैं। 8 साल तक इसने अपनी 3 सगी बेटियों पर लगातार रेप किया है। हरामी कुत्रा, आग थू। ए चल। भड़वे
अबे साले गलत काम करता है, चल अंदर तेरे को दिखाता हूँ। अरे साले पेटियों में नजर रखता है साले, चल अभी तेरे को अंदर दिखाता हूँ कैसे खाली तारी करता हूँ तेरे अंदर, चल और चले कम पड़ गई थी अपनी बेटियों की इज्जत टूटने लगा साले, अब तुझे बताता हूँ इज्जत टूटने का मतलब क्या होता है, इज्जत टूटना है। ले भाई आ गई अपनी श्री बालाजी की सासू। क्या मतलब? अरे श्री बालाजी की सासू म्हणजे 56 भोग। मतलब? अरे मतलब श्री से श्रीखंड, बासुंदी, लाडू, जिलेबी, चिरंजी, साखर भात आणि सुधा रस, चल खा पटापट। ए सागर हुसैन भत्ता खा ले, चल कोर्ट के लिए जाना है, चल जल्दी। ए दो रोटी और दे देना, तेरे बाप का क्या जाएगा, सरकारी माल है। ए ए पेट ए वायरस भाईजान। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके लिए कुछ लाऊं क्या? शुक्रिया, वो लड़का लेने गया है। अच्छा। सला सेशन कोटा जी आरोपी 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो आगे, इधर बैठो। चलो चलो शरी मत करो, जाओ अंदर। देखो इमदाद मियाँ, अगर जानवर को भी बोलो ना कि भैया तू इंसान बनेगा, तू बोलेगा नहीं मुझे इंसान नहीं बनना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, ऐसा होता है खौफ कोर्ट कचहरी का। लेकिन अरे लड़ेंगे बाबा लड़ेंगे, बिश्नोई साहब तुम्हारा केस लड़ेंगे। अरे मैं बोलूंगा तू कैसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन बहुत बड़े वकील है भैया, इंसेंटिव भी उतना ही बड़ा होगा जी। फीस फीस बाबा फीस, ऐसा नहीं है कि फीस लेने के बाद तुम्हें लेके गए जज के सामने पेश किया और हो गया फैसला, ना 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 ना, ये कोर्ट कचहरी है भैया, इसका अलग प्रोसीजर होता है, ये मत समझना कि अदालत में सिर्फ वकील और जज होते हैं बस, ना इसमें और लोग भी होते हैं, जैसे स्टैम्प पेपर बेचने वाला, टाइपिस्ट, चपरासी वगैरह वगैरह, और उनके पैंट कमीज भी होती है, उन पैंट कमीजों में जेबें भी होती हैं, ये सब मिलके सबसे पहले मुवक्किल को अच्छी तरह से निचोड़ते हैं, फिर जज के सामने पेश करते हैं समझे, और फिर वहां जाके फैसला नहीं हो जाता, उसमें जिरह होती है, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फेफड़े फूल जाते हैं बोल बोल के, तब जाके जज का फैसला होता है, और ये मत समझना कि फैसला तुम्हारे हक में ही होगा जी, क्योंकि यहाँ अगर न्याय होता है तो अन्याय भी होता है, समझे कि नहीं? नहीं यार, न्याय और अन्याय समझ लो दो सगे भाई हैं, एविडेंस एक्ट उनका बाप है और इंडियन पिनल कोड उनकी माँ है और ये अदालत उनका पेरेंटल होम है, समझ गए, और गवाह चाहिए होते हैं और नकली गवाह लेने के लिए पैसा चाहिए होता है, खरीदना पड़ता है ना, पैसे लगेंगे 1,00,000 रुपया, 25,000 पेश की तो दो। आपसे साहब मेरा दोस्त जदी के कारखाने में काम करने वाला छोटा सा आदमी है। अबे छोटा सा आदमी है तो इतना बड़ा गुनाह क्यों किया, औकात देख के गुनाह करता ना, तुम्हें काम करो किसी और को देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके साथ मेरे पास 5,000 रुपये। अबे 5,000 क्या, मैं तो 500 रुपये भी ले लूंगा। लेकिन क्या है कि अपने अपने वो बिश्नोई साहब है ना जी, उनको जब तक नोट ना दिखाओ ना वो कोर्ट में नहीं आते। अबे ये क्या है, 1-1 रुपए के नोट, अबे किसी से खैरात में लाए हो या किसी दरगाह के मुजाबिर हो है जी। चलो चलो कोई बात नहीं, जो अपने से आते आने दे, चलो चलो चलो, कहाँ है हमारा मुवक्किल, आइए। आपके साहब ये मेरा दोस्त सागर हुसैन है, इसी का केस लड़ना है। ये 3 रेप किए में है, अबे 30 भी किए होते तो भी बिश्नोई साहब बचा लेते। सुन जी, अब अपना अपना काम आज से बांट लेते हैं, तू कैश पे ध्यान दे, हम केस पे ध्यान देंगे। योर ऑनर, यह सागर हुसैन है, इस केस की तारीख देनी है। फाइल कहाँ है? योर ऑनर, इस केस की फाइल को रजिस्ट्रार साहब ने अपने पास मंगा लिया है, केस के ज्यादा चर्चित और मीडिया हाइप हो जाने की वजह से प्रोसिक्यूशन ने होम डिपार्टमेंट से अपील की थी कि इस केस को किसी लेडी जज के अंडर चलाया जाए, और इसके लिए जस्टिस जया रेड्डी को अपॉइंट किया गया है और आज वो छुट्टी पर है। योर ऑनर, मंडे 15 तारीख। थैंक यू योर ऑनर। चल 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 चल, आ गया 3 बेटियों का बाप। ओ बाबुल प्यारे, ओ बाबू। सर इसे चोट पुलिस कस्टडी में आई है, इसे सीएमओ के पास भेज दो और उसकी चोट और बयान की रिपोर्ट कोर्ट भेज दो।
अगर यहाँ ऐसे कुछ हो गया तो सारा कुछ जेल प्रशासन के सर पे आएगा। मेजर इसे हॉस्पिटल ले जाओ। उबारा बाबा गुदगुदी होता सब। खड़ा रहे सीधा, चल जा एकदा, चल जा। ए चल इधर, ये तिरपट। ए रुक, ए बाबू इधर आओ। सब क्या है इसमें? सब सब पेशाब है। मेजर चेक करो इसे। अरे क्या रे, सब पेशाब है। पेशाब है सब। अरे पन चेक कर रहे थे ना। दिखा पेशाब है। दिखा रे। साहब ये तो मीठा तेल है साहब। क्यों बे, इसे हंडी के लिए ले जा रहा था या कुंडी के लिए? साले तू कुंडी के लिए तो है नहीं। बोलना जरा। अंदर जाकर हंडी वालों को बेचेगा, इस पर खटला लगाओ। चल रे चल, समझा गए। तेल लेके आता है जेल में। अबे आ गया तिरपट। अब बता क्या हुआ। हाँ सुन, पहले मेरी सागर का केस जेआरडी की अदालत में गया, अब लाइफ लग गई, उसको कोई नहीं बचा सकता। कितनी कड़क है जेआरडी। अबे मैं यहाँ हूँ तो किसकी मेहरबानी से हूँ। अरे था ना, लोकल ट्रेन से जा रहा था, सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी, मैंने उसके पिछवाड़े मूंगफली मार दी। पीछे हवलदार खड़ा था, पता नहीं धर लिया मुझे अंदर। अदालत तुम्हें 6 महीने की सजा सुनाती है। लेकिन जज साहिबा, मैं तो सिर्फ उसको मूंगफली मारी थी, हाथ भी नहीं लगाया था। हाथ लगाया होता तो 4 साल की सजा सुनाती। लेकिन जज साहिबा। शट अप, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने औरतों को? बारबी डॉल। जब जी चाहा छेड़ दिया, एसिड फेंक दिया, रेप कर दिया। ले जाओ इसे। सोचो अगर मैं उसको पिछवाड़े चिकोटी लेता तो मैं तो गया था जिंदगी भर के लिए। सागर को कोई नहीं बचा सकता, लग गई उसकी। अब भाईगा मजा। ए काय चले तिकड़े, काय चले, चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। ए मेजर साहब। क्या है मेजर साहब? मेरा ये लेटर जरा पोस्ट करवा देंगे? बीवी को लिखा है क्या? और किसको लिखूंगा साहब, जो पिछले 6 महीने से यहाँ रह रहा हो उसे और कौन याद आ सकता है। ठीक है, गेट पर पहुंचा देता हूँ, चल जा। चलो जलाराम बापा आपका भला करेगा। चलो चलो, मेहरबानी होगी। ए मारो, हेलो साहब। ए सर, एक कैदी नड्डू जामुड़िया ने ये चिट्ठी दी है पोस्ट करने के लिए, आप इस पे साइन कर दीजिए सर। अरे ये तो गुजराती में। अरे सोलंकी। हाँ सर। कबीर इसे पढ़ो और बताओ इसमें क्या लिखा है। सर अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। लच्छी तेरी बहुत याद आती है, पत्थर के फर्श पर करवटें बदल बदल कर अकेला रात गुजारता हूँ, कब छुटूंगा पता नहीं, तेरे हाथ पैसों से तंग होंगे। सुन देखो, जो पीले अनाज की गठरी मैं जूनागढ़ से लाया था उसे कुएं वाले खेत में बो दिया था, खोद कर निकाल लेना। और सुन, अनाज का ज़्यादा दिखाव मत करना, एक एक दाना बेचकर घर के अंदर रानी की तरह ठाट से रहना, और बाहर ऐसे दिखावा करना जैसे तू दाने दाने की मोहताज है। उम्मीद है खत का मतलब समझ गई होगी। तेरा मर्द नटू जांबुड़िया। नमस्कार, क्राइम ब्रांच मधुन, इंस्पेक्टर साबड़े बोलतो। अरे खुदाई जी, बॉट लगे लिए जाने दो जो। वाह वाह, क्या माहौल है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर इधर ही इकट्ठा हुआ है साला। अरे सरकारी खुद सरकारी मेहमान बन के अंदर आए, वायरस की तरह फैले। इस जिल्लत से तो मोहताज है सर। सर प्लीज आप हौसला रखिए। कैसे हौसला रखो, बाहर कैसे हिम्मत थी जो हमसे कोई एक शब्द ही बोले। ये बाहर तो तू भी मेरे सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहता था ना, भूल गया? ए नादिर समझा समझा इसे, ये जेल है जेल, रेल नहीं, हम लोग इधर अंडर ट्रैवल नहीं, अंडर ट्रायल है, समझा? ये समझा इसे। नुमाड़े साहब देखो, मैं इसे जेल नहीं रेल ही मानता हूं, जिसमें हम सब अंडर ट्रायल मुसाफिर हैं। हमारी रेल स्टेशन पर सिग्नल ना मिलने की वजह से खड़ी हुई है, सिग्नल मिलते ही सब मंजिल की ओर चल पड़ेंगे। निमाड़े साहब कुछ इस तरह से सोचोगे तो ये सफर डॉक्टर आराम से कट जाएगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी।
उसकी मर्जी। सही कहा अपने नादिर साहब, सही कहा, बाकी उसकी मर्जी। कहां से कहां पहुंचा दिया। कल तक वर्दी के रोब में सीना तान के चलते थे बाहर, और आज जेल के अंदर। कल जो हमसे डरते थे, आज उन्हीं के बीच में। सलब, रात को सोने को फटती है। निमाड़े साहब, फटते हो, जोपू शकत नहीं। सो भी कैसे पाएंगे, छोटा जो इल्जाम लगा दिया, रिश्वतखोर, करप्शन का, क्या मैं करप्ट हूं? बता जंगले, बता, मैं करप्ट हूं? और करप्शन कहां नहीं है? अच्छी नौकरी चाहिए, करप्शन, रिश्वत दो आप, अच्छी पोस्टिंग चाहिए, रिश्वत दो आप। मैंने तो सिर्फ एक केस में किसी को जेन्युइनली मदद की और मुझ पर इल्जाम लगाया, रिश्वत खोरी। छी सर, गलती हमारी भी है ना। हमारी साइकोलॉजी कुछ ऐसी हो गई है कि हम हमेशा फरियादी को ही बेगुनाह मानते हैं, हालांकि ये सोचना चाहिए कि वो कितना सच्चा है। ए, क्या रे? चल वो हरामे 376 आ रहा है, आजा। पहले इसको धोते हैं। ए दाढ़ी, सर्कल में तेरी धुलाई अधूरी रह गई थी उस दिन। ठीक है, आज इसको पूरा ही धुला लेते हैं। देखो मुझसे मत उलझो, तुम्हें पता है ना मुझ पे कौन सा इल्जाम लगा हुआ है? मैं किसी का नहीं हूं, सोच लो। सोच तो कब का लिया है बे? मौका अभी मिला है, तू तो गया आज। तुम लोगों से कितनी बार कहा है ऐसी हरकत मत किया करो। नादिर जी, आप बीच में बताइए। मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, बीच में तुम लोग आ रहे हो। देखो भाई, हम सब लोग यहां पर एक जैसे हैं, अगर उस पर एक इल्जाम लगा है तो तुम पर भी कई इल्जाम लगे हैं, और उसने कोई गुनाह किया है तो उसका फैसला ऊपर वाला करेगा। तुम उसके बीच में क्यों आ रहे हो? जाओ जाओ भाई। नादिर की वजह से सागर बच गया भाई। ये नादिर सागर का बहुत ही हिमायती होते जा रहे हैं। नादिर को हिमायत करने के लिए जेलर साहब ने बोला है। अच्छा जी। ए छबरी, हाँ। चल जा, मुना पत्ते वाले को बुला के ला। अभी भेजता हूँ। ये जेलर फेलर कोई उसको बचा नहीं पाएगा, उसकी मौत सेफ यार्ड में ही होगी, समझे? भाई आपने याद किया? मुन्ना, अब जब भी तू सेफ यार्ड में जाएगा ना बत्ता लेकर, तब ये मोहसिन को दे देना। चल वट ले वंटा। अरे आंटी, हुआ कि नहीं? हाँ भाई, हो गया। आओ मुन्ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुम सलाम भाई। कैसा भाई? बढ़िया भाई। मेजर खड़ा है। मौका मिलते ही सागर पर वार करो। सागर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, प्रोसिक्यूशन ने तुम पर 307 यानी कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और 376 रेप का आरोप लगाया है। तुम्हें कुछ कहना है? अरे बोलो, मेरे खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं, मैं बेकसूर हूं, बोलो। मिस्टर आप्टे, प्लीज साइलेंस। सॉरी, मैं बेगुनाह हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर आनंद वर्मा। यस योर ऑनर। क्या आपने डिफेंस को विटनेस लिस्ट और दूसरे तमाम पेपर्स दे दिए? यस योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, 3 दिन में विटनेस पेश कीजिए, मैं 20 दिन में ये केस खत्म करना चाहती हूँ। बेटी क्या होती है तू जानता है?
बेटी माँ का अंश होती है, भोग वस्तु नहीं, भाग्य बिंदु होती है बेटी, और तूने उन्हें भोगा। तेरी गोद में तेरी मासूम बच्चियों की दो चोटियां बनाने की उम्र कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन बेचारियों के दांत तक नहीं निकले थे और तूने उनकी जबान काटा ली। मुझे किन है तुझसे सागर हुसैन, किन है? अगर कानून ने तुझे सख्त से सख्त सजा दी तो ये कानून की बहुत बड़ी तोहीन होगी, बेइज्जती होगी उसकी। फैसला मेरे हाथ में होता ना तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा देता। फिर भी उम्र का तय है, और वो भी नीट लाइफ। तू जेल में तड़पेगा सांस के लिए, मोहताज होगा, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। भाई भाई, सागर कोर्ट से वापस आ रहे हैं। भाई 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 भाई, छड़ती आई छड़ती। चला प्रत्येक खोली में एक एक जन जाऊं धरती क्या? चले बाजूर बाजूर चल सब। क्या छड़ती छड़ती है मोहसिन साइड में? क्या 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 छुपा के रखा है अंदर? मेरे इधर क्या मिलेगा साहब? ये मटका जा, अच्छा चल 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 सब, मेरी बात सुनो सब। मोबाइल अरे की चाय ला, और चार्जिंग के लिए वायर भी। साहब तेरी पर एक्सचेंज। किधर किधर क्या क्या छुपा के रखा है रे साले? कापनी मर्डर करने के लिए रखी थी कापनी। चल जा इधर बाहर दाखो तू, चल। क्या करूं, माहौल का असर है। अभी क्रिमिनल्स के बीच रहेगा तो गाली क्या, मर्डर करना भी सीख जाएगा। चल निमाड़े, एक नया बात बताता है। ये भगवान ने ना ये पूरा दुनिया बनाया, फिर आराम किया, फिर उसके बाद ये पेड़ पौधा पक्षी लोग को पैदा किया, फिर आराम किया, उसके बाद मर्डर बनाया, उसके बाद फिर आराम किया, उसके बाद साली औरत बनाई, और उसके बाद न भगवान ने आराम किया न मर्डर को आराम करने को मिला। ये निमाड़े हंसना, जोक तारे जोक। बंदी बंदी टाइम, चले बंदी टाइम। क्या नादिर साहब, ये बंदी का डंका सुनाई नहीं दिया क्या? محمد رسول الله पकिया। हेलो साहब। क्यों हांडी पका रहा है क्या? हो साहब, मेरे लिए भी थोड़ी चाय रखना। वायरस वाली चलेगी क्या? ये वायरस क्या होता है? अरे वो अपना बाबा जी है ना, उसका टूथब्रश चुरा के जला के बना रहे लाओ। वायरस की तरह फैला है बैंड। पाली वाले, ए गवर्नर बुला रहा है। हाँ जाओ जाओ जाओ। और रात पाली वाले कहाँ? इंस्पेक्टर साहब क्या सदिया हो गए चिल्लाते चिल्लाते। कहाँ है बोमा मुलावले रे? मैं क्या भाई रहा हूँ, बोल क्या है बोल। ये जरा बाजू वाले साहब को दो ना, पाली वाले। आप जी? हाँ गवर्नर साहब, आप तो मालिक है, हम नौकर है। आइला। क्यों मेजर, तुम हमारे लिए इतना भी कर सकते क्या? अरे हम कैदी यहाँ पे इसलिए तुम हो, तुम्हारी ये नौकरी है, तुम्हें पगार भी मिलती है। अरे अच्छा होता ये कैदी ना होते, कम से कम हमें ये जेल पुलिस की नौकरी तो नहीं करनी पड़ती। ये लो खाओ। अरे खाओ खाओ, मजा करो। अरे खाओ रे, थाट है तुम्हारे। सजा तुम लोग नहीं काट रहे हो, सजा हम काट रहे हैं। तुम लोग तो शहर की दौड़ धूप से बचने के लिए यहाँ हवा खाने आते हो। मेजर, सजा का दर्द क्या होता है वही जानता है जो सजा काटता है। अरे वही कह रहा हूँ मैं, तुम लोग यहाँ इस सेल में और हम वो बाउंड्री लाइन के अंदर, दोनों ही सजा काट रहे हैं। अरे सातारा से जब मैं मुंबई पुलिस की नौकरी करने आया था ना, तब सोचा था मुंबई जाऊंगा राज करूंगा। कसले का है, तब किसे मालूम था कि जेल पुलिस की ये हालत होती है। 3 साल से मुंबई में रह रहा हूं,
लेकिन चौपाटी कैसी होती है देखी नहीं मैंने आज तक। यहां से क्वार्टर, क्वार्टर से यहां तक, बस बस इसी में कैद हो गए हम लोग। इधर से देखो सागर, आ गए हम अपनी मंजिल पर। देखो कैसी जगह है, बढ़िया है ना? बढ़िया। और ये यहाँ पे हमारा कारखाना है। हाँ। और ये सामने देखो ऊंची ऊंची इमारतें, और यहाँ पे हमारे काम करने की जगह है। हाँ। और हाँ, कल से ये तू पीली शर्ट और काली पैंट मत पहनना। अरे लोग यहाँ तुम्हें टैक्सी बोलेंगे मुंबई में, समझे क्या? आ जा। और ये देख, ये पूरी बस्ती अपनी है, देख ले यही अपना कारखाना। सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बात की थी ना, यही अपना दोस्त सागर हुसैन। आज से तेरा रहना खाना पीना उठना बैठना सब यहीं पे होगा। इमदाद, ये रोज देख रहा हूँ कि इसी वक्त सारे कारीगर लोग इकट्ठे होके अंदर कहाँ चले जाते हैं। भाई ये सुई धागे का नाजुक काम करते करते ना आंखें थक जाती हैं। तो आराम करने गए हैं? आराम नहीं, खुद को बेचैन करने गए हैं। बेचैन? आओ चलो तुमको भी दिखा के लाता हूँ। क्या? देखते ही आंखों में चाकू की तरह तेज धार आ जाएगी। क्या? अरे आओ, आ भी जाओ। चलो अच्छा, आज दिखाते हैं तुम्हें कमाल। आ जाओ दिखाता। देख अरे मियां, हमें भी दीदार करने दो। क्या बात भाई, आप पिया हुआ के कौवा हो गए। अरे भाई मैं बिहार मांस का बनाऊं, चल आ जा। अरे आ जा, तुमने देख लेगा तो दो साल तक आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ेगा। देख देख चल निकल। साला खड़ा है यहाँ पर। क्या वो सुबह आप नहाती हो? क्यों, तू नहीं नहाता क्या? नहीं, वो नहाता हूँ। तो मेरे नहाने से तुझे क्या तकलीफ हुई रे? नहीं क्या वो छेद है ना? छेद? हाँ, वो आपकी खोली की दीवार में एक छेद है। तो जब आप सुबह नहाती हो तो सब लोग आपको देखते हैं। कौन
कौन देखता है? नहीं, वो कारखाने के कारीगर। तुम सारे मर्द लोग बहुत कमीने हो, बहुत कमीने हो। मेरी पता चल जाए एक औरत अकेली रहती है तो उसे कुत्ते की तरह सूंघ लेते हो। दरवाजा बंद हो तो दीवार में छेद कर देते हो। नहीं, मैंने छेद नहीं किया। अरे आप नंगा कर दूंगी तुझे यहीं पर। अकेली औरत को रहने भी नहीं देते ये लोग, दीवार में छेद कर देते, तमाशा देखते। ए, मुझे देखा तेरी गर्दन क्यों लटक गई? हाँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। सुन, रे? खाना खाने जाता है तो क्या गर्दन लटका के जाता है? अच्छा चल एक बात बता, तुम लोग कब से मेरे घर में देख रहे हो? मुझे नहीं मालूम, मैं तो 15 दिन से यहाँ आया हूँ। 15 दिन में तूने क्या देखा? क्या? वही जो दीवार से झांकते थे। आपको नहाते हुए? वैसे कारीगर लोग बोल रहे थे कि आपने वो छेद बंद कर दिया है। हाँ, अब तो तू भी नहीं देख पाएगा। देखना भी नहीं है, मर्द हूँ, फिर भी मुझे दूसरे की बहू भी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मर्दों को वैसे दूसरों की ही बहू बीवी देखना पसंद आता है। वैसे तो ना मैं किसी की बहू हूँ ना बीवी, एकदम छड़ी हूँ मैं। कभी तेरा दिल करे ना तो मुझे बता देना, तेरे लिए सरा खुला छोड़ दूंगी। वायरस, ए शिंदे, साला नींद में डंडा क्यों करता है? अरे ड्यूटी चेंज हुई है, चेक कर रहा हूँ पिछले की ड्यूटी में कोई मरा तो नहीं। ए, साला पिछले का ड्यूटी में नहीं मरा तो क्या तेरा ड्यूटी में मारेगा? अरे सोजा साला, अब क्या खाक नींद आएगा? अब तो मरने के बाद ही नींद आएगा साला। वायरस की तरफ फैले में। क्या है भाई? वही नादिर साहब का। हाँ, डॉक्टर साहब ने स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन जो दिया है और कोर्ट का ऑर्डर भी है, आपकी झड़ती लेनी पड़ेगी। ठीक है। नादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लीजिए आपका नाश्ता आ गया। नादिर साहब और कोई काम है क्या? ना, खुदा हाफिज। सागर आओ भाई। बैठो। अरे बैठो भाई। अरे आराम से बैठो भाई। खाओ। सागर, जब मैं बाहर था, चाहे नाश्ते का वक्त हो या खाने का, कोई ना कोई जरूर साथ रहता था।
यहाँ है तो बहुत लोग, लेकिन हर कोई अपने दर्द का घूंट अकेले पी रहा है। चाय पियो। सागर, बस सागर बस। जब से पकड़ा गया हूँ तब से लोगों ने सिर्फ मुझे मारा ही है। किसी ने लातों से मारा, किसी ने हाथों से मारा, और किसी ने बातों से मारा। बाकी जो लोग बचे उन्होंने नजरों से मार मार के मेरे बदन को अधमरा कर डाला। मैं लाश बन गया हूं। नफरतों की मार इतनी पड़ी है कि कोई फरिश्ता भी होता तो अब तक मर जाता, लेकिन मुझे मौत ही नहीं आई। क्या मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं कि जान भी मेरे पैर पड़ने से नापाक हो जाएगा? देखो, अगर तुमने कुछ किया है या नहीं किया है यह सिर्फ तुम जानते हो या ऊपर वाला। अगर तुमने गुनाह किया है तो भी, और अगर नहीं किया है तो भी, उससे माफी मांगो। सागर, उससे बड़ा माफी देने वाला और कोई नहीं है। सर तुमसे बरोबर है? अरे काय तुम इसे बोल रहे ना? अरे काय माहिती है। अरे नादिर, गुड मॉर्निंग नादिर। मॉर्निंग। क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट खा रहे हो? हम तुम्हें खा चुके, वही रोज का। नादिर साहब, आदमी बेगुनाह हो या कसूरवार हो, दोनों के आंसू एक जैसे होते हैं। आंसुओं से पता नहीं चलता कि आदमी गुनेगार है, सच्चा है, झूठा है। और ये साला एक नंबर का दरिंदा है, मातारा साला। जंगले साहब, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? लीजिए, वो तो पड़ेंगे। चाय पीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे डोंगरे मंडळी दमले वाटतं कमाल। तुझी आहे कोणी दोन दिवस दिसला नाही तू? रजेवर होतो साहेब, सुट्टीवर। हो तो छुट्टी पे गया ते दोन दिन घर पे, फिर भांग बिंग। अरे कुछ नहीं सर, बियर ने आंघोळ करून आलोय मी। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ सर, वो अपना काला पानी का शेट्टी नहीं था क्या? शेट्टी काला पानी? हाँ, बोला था मेरे को, मैं जिस दिन छूटा उसी दिन मेरे पास आ जाना करके, मेरे बार में। उसका छुटना और अपना यहाँ पे राजा, दोनों भी एक ही दिन। दो दिन तो फिर हाथ में ठंडी बियर और बार वाला है, आंखों पर जीरो पावर का चश्मा लगाकर 3D फिल्म की तरह खूब देखा, एकदम सीन संगीन, फोटो रंगीन। क्या मजा आया। अरे चाललो होतो तिकडेच, पर लक्षात आलं ड्यूटी आहे म्हणून। अरे घूरता क्या, तूने भी ये बहुत कुछ किया है ना? लेकिन मैंने बार बालाओं के साथ में किया है, खुद की बेटियों के साथ में नहीं।
कह रहे हैं क्या देख रहे हैं? नहीं मेजर साहब, ये पानी कहाँ जाता होगा? बाहर। अच्छा, ये पानी बाहर जाता है? हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि जेल के बाहर कोई नहीं जा सकता, और ये पानी आपके सामने बाहर जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। बत्तगे। ए मेजर, अरे बंदी क्यों नहीं हो रही है? अरे टोटल नहीं मिल रहा है, एक कैदी गायब है, उसे ढूंढ रहे हैं, समझे? साला जो अंदर नहीं रहना मांगता है उसको ढूंढने में टाइम खराब करता है। ए छुप रे वायरस। साला एक तो हमारा खाने का मार ठोक डाला, ऊपर से बोलता है चुप रे, वायरस की तरफ फैले हुए बहन। कौन से आठ का कैदी था? डॉक्टर साहब, इतना समय बीता है और भी कट जाएगा, समय को काटना नहीं भोगना पड़ता है। सागर आओ भाई। बैठो। कोर्ट से आया? क्या हुआ? कोर्ट गए थे ना? बोलो भाई। आज मेरी बड़ी बेटी ने गवाही दी। रात को जब हम सब सो जाते थे तो अबू शराब के नशे में आते थे और मेरे साथ गलत करते थे। मैं चिल्लाती तो मेरा मुंह दबा देते और मुझे जान से मारने की धमकी देते थे। अबू ने हम तीनों बहनों के साथ गलत किया है, हमारी पाकीज़गी दोशीज़गी को लूटा है, हमारे अबू ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नादिर साहब, ये बहुत बड़ा गुनहगार है, इसने अपनी बेटी की इज्जत लूटी है, ये सुनकर ही सर शांग से झुक जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ये बेगुनाह है। नहीं नहीं, बेटिया इस तरह अपने बाप की कभी बेइज्जती नहीं करेगी, कभी इल्जाम नहीं लगाएगी। नादिर साहब, भत्ता और पानी का मटका रख दिया, आज मेरे को जल्दी है, जेल में आज कुरंडी है। ये कुरंडी क्या है? अपुन के साथ तेरी आखिरी रात है। उनके साथ तेरी आखिरी रात है, अब उनके साथ तेरी आखिरी रात है, कल से न बंदी न ओपनिंग, कल से न बंदी न ओपनिंग, न हांडी न झड़ती न मेजर की खिट खिट, न हांडी न झड़ती न मेजर की खिट खिट, कल को यार कल्टी लेने वाला है, को यार कल की लेने वाला है, बाहर जाके क्या क्या करने वाला है, अरे बाहर जाके क्या क्या करने वाला है, अपुन के साथ तेरी आखिरी रात है। hey!
चिकन भोग ये खाएगा, भाभी से आंख लड़ाएगा। शाम से ही साला ये बत्ती बुझाएगा, शाम से ही साला ये बत्ती बुझाएगा। वहाँ कोई मेजर ना आके जगाएगा। इसे कहते हैं श्री बालाजी की सासू, 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 श्री बालाजी की सासू। क्या बाबा कल से तो तेरा स्टाइल नशे के लिए टैक्सी मेजर पैसे न खाएगा, ना बटन मंगाने का लफड़ा रह जाएगा। बाहर जाके मस्ती से पिएगा पिलाएगा, बाहर जाके मस्ती से पिएगा पिलाएगा। ना पुलिस वाला छुट्टी पे जाएगा, ना पुलिस वाला छुट्टी पे जाएगा। अबे एलेवन एले टू बोल नाए गाँव वर्ली भूल गया क्या? अबे वॉइस तो बोल रहे ले आओ। एलेवन और एले टू ना छुट्टी मनाएगा, स्काउटिंग के नाम पे ना खाली बिठाएगा, घर वालों को खाली दिली तरसाएगा, न घर वालों को खाली दिली तरसाएगा। दुग 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 इसकी तो निकल पड़ी, इसकी तो निकल पड़ी, निकल 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 पड़ी, इसकी तो निकल पड़ी। अपन के साथ तेरी आखिरी रात है, अपन के साथ तेरी आखिरी रात है, कल से न बंदी न ओपनिंग, कल से न बंदी न ओपनिंग, न हांडी न झड़ती न मेजर की खिट खिट। कल को यार गलती लेने वाला है, बाहर जाके क्या क्या करने वाला है, अरे बाहर जाके क्या क्या करने वाला है। हो इसको क्या हुआ? कितने दिनों बाद बेटी से मिलूंगा, पूछेगी कहाँ थे तो क्या मैं कहूंगा। तो बिड़ू करता काई को झोल चपाटी है। सोचा है मैंने के माल कमाऊंगा, बेटी को इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो डोनेशन के लिए क्या सुपारी उठाएगा? ए बोल बचन अमिताभ बच्चन, नहीं बोल बचन मत कर, ए बोल बचन मत कर, बोल बचन मत कर, ए बोल बचन मत कर, बोल बचन मत कर, ए बोल बचन मत कर। अपन के साथ तेरी आखिरी रात है, अपन के साथ तेरी आखिरी रात है, कल से ना बंदी ना ओपनिंग, ना बंदी ना ओपनिंग, ना हांडी ना झड़ती ना मेजर की खिट खिट। कल को यार कल्टी लेने वाला है, बाहर जाके क्या क्या करने वाला है, बाहर जाके क्या क्या करने वाला है। चल बुड्ढे आज तेरी आंखों को ठंडक दिलाता हूँ 3D दिखा के। चल तेरी तो चले मेले चल हाथ बदे अंदर कौन जाएगा? ए चल पुड़े तेरी तो। सुनो मैं तुम्हें कुछ दवाई लेके देता हूँ, सवेरे सफेद वाली गोली लेने का, दोपहर को पीली वाली गोली लेने का, और शाम को सोने से पहले ये नीली वाली गोली लेने का। तुम साला डॉक्टर, कोई भी बीमारी हो यही 3 गोलियां उठा के दे देते हो। ये बस सच्ची सच्ची बता डॉक्टर, ये गोलियां सचमुच रामबाण है
या फिर तू फोकट में सबका चूतिया बनाता है, हैं? डॉक्टर मैं हूँ या तू है? अरे गोलियां मुझे खानी है तुझे? मेरे पेट में जो अल्सर है वो यहाँ के खाने और दवाइयों से हुआ है, और अगर मैंने और दवाइयां खाई ना तो मेरा अल्सर कैंसर बन जाएगा। फिर नहीं खानी मुझे तेरी दवाइयां, डॉक्टर मुझे दवाई देगा। Next. वही की वही गोलियां, वही की वही दवाई, कोई भी बीमारी हो एक ही दवाई। कमाल जेल साली है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब मुझे, मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। पर हो क्या रहा है? मुझे जो खाना यहाँ मिलता है वो खाना मैं नहीं खाता, वो खाना मुझे खा रहा है। और आप सचमुच चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे प्लीज एक दूध और पाव का प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। अरे ये जेल है, तबेला नहीं। डॉक्टर साहब मैं एक वर्दी वाले का लड़का हूँ और मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। आप मुझे यहाँ दूध पिलाएंगे और मेरा बाप आपके घर पे दूध का पैसा भिजवाता रहेगा। सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मालामाल हो जाओगे, दूध गवर्नमेंट का और कीमत आपको मिलेगा, और वो भी बाजार से डबल भाव में। प्लीज खाते पीते परिवार का हूँ। देखने दे। ये लांबा क्या भाई को? अरे हवालदार पकड़ो उसको, नहीं तो गजब कर देगा। मुझे कहीं लगा तो नहीं आपको? नहीं लगा नहीं, मगर अब ये आप लगा रहे हो। क्या हाल हुआ बिचारे का? दिन में ये हाल है हमारे साथ, पता नहीं रात को क्या क्या होने वाला है यहाँ। आज तक जो बाहर हमारे साथ नहीं हुआ ना, अब लगता है यहाँ होने वाला है। यहाँ के सारे कैदी चल रहे हुए हैं। अरे जाओ जाकर इन कैदियों के लिए कुछ करो। मेजर काय, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्यों, क्या हुआ? मेरे पेशाब की जगह जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अंगार 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 लग रहा है। अच्छा तो तुम्हारे भी पेशाब की जगह पर जलन होने लगी है क्या? मतलब? मतलब ये कि ये यार्ड छोड़कर मैं नहीं जा सकता, मेरा जोड़ेदार आएगा ना तब जाना डॉक्टर के पास, जलन होने लगी है। आएला। ए बाजी, ये मेजर ऐसा क्यों बोला? मुझे कोई और बीमारी तो नहीं हुई? इधर आ, क्या और बीमारी है? तेरे को क्या लगता है, तेरे को सिफिलिस के गोनोरिया हो गया है क्या? अरे ये तो वो हींग का कमाल है, तो ये जेल वाले लोग भर भर के अपने खाने में डालता है ना। देख अभी तेरे को आगे जलन हो रही बरोबर, हाँ। तीन दिन के बाद पीछे से अंगार निकलेगा, और उसका बाद में आगे और पीछे दोनों बाजू से अंगार निकलेगा, उसके बाद सब साला ठंडा हो जाएगा। ए बाजी, ये हेंग इतना डेंजर होता है? अरे डेंजर, बब्बर शेर को खिलाने का ना, एक महीने के लिए तो साला बिल्ली की तरह म्याव म्याव करने लगेगा, रेस का घोड़ा रेस के बाहर हो जाएगा। हिंग ने तो अच्छे अच्छे लोग का हस्ती और गृहस्थी दोनों को ठोक डाले ला है। ओ बाप रे, साले वायरस की तरह फैले। चल चल भाई। हाँ एक बात बता मेरे को, ये बाबा सबसे पूछते रहता है तू क्या करके आया है, तू क्या करके आया है। अभी आप मेरे को बताओ ये क्या करके आया है इधर? तेरे को मालूम नहीं? नहीं। ये जज था, करप्शन में अंदर आया है। हाँ? चल तू चाय पी। आए हाय 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 हाय। अरे जैसे ही उसके दोनों गाल मेरे हाथों में आए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मान लो मेरे हाथों में तंदूर से निकले हुए दो गरम गरम गुलाब के फूल आ गए हों। थोड़ी से मर्दाना, थोड़े से जनाना, आज रात को मेरे सपने में आएगी और मुझे गुदगुदी करेगी। अब तुम लोग जाओ जाओ, अब मैं तो अभी से सो जाता हूँ। एक दो तीन चार।
छड़ दे देगा क्या? चलो सर पर दुपट्टा डाल और चुपचाप चल मेरे साथ, किसी की तरफ देखना नहीं और किसी से कुछ बोलना नहीं। नहीं माना तुम लोगों ने तो मैं तुम चारों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ये मेरा बाप नहीं, जानवर है, वहशी है। इसने हमारी इज्जत लूटी, हम इस तरीके हम लोगों को मारकर, गालियां देकर, मुंह में दुपट्टा ठूंसकर, हम इसे अपना अब्बू मानते रहे और ये हमें औरत समझकर हमारे बदन को नोचता रहा, रौंदता रहा। मुंह खोलेंगे तो जबान काट डालेगा, इस डर से सिर्फ रोते रहे चुपचाप जिंदा लाश की तरह। लेकिन जब इसने छोटी बहन रुबीना की इज्जत पर हाथ डाला तो हमारी खामोशी टूट गई और हमसे चुप नहीं रहा गया। डर लगता है हमें इसकी शक्ल देखकर, इसका चेहरा देखकर। इस बच्ची की हालत देखकर अदालत को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि इसके बचपन को किस बेरहमी के साथ रौंदा गया है। एक बच्चा जो अपने बाप के साए में पलता है, वही बच्चा अपने बाप की शक्ल देखकर कांप उठता है। मेरे ख्याल में योर ऑनर, अब इस बच्ची से और सवाल करने का मतलब होगा किसी और रोलाना। नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, मेरे दूसरे गवाह हैं मिस्टर विजय आमरे। प्लीज मिस्टर आमरे। योर ऑनर, आमरे साहब एक सोशल वर्कर हैं, मुंबरा में इनकी बहुत इज्जत है और सब लोग इन पर भरोसा करते हैं। मिस्टर आमरे, आप सागर हुसैन के बारे में क्या जानते हैं? योर ऑनर, सागर हुसैन को इंसान मानना इंसानों का अपमान है। हमारे समाज में माँ, बहन, बेटी, बहू, औरत के ये वो रूप हैं जिन्हें पूजा जाता है, लेकिन इस शख्स ने उसे कलंकित किया है। योर ऑनर, सागर हुसैन से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वो तो एक दिन सबीना बहन मेरे पास आई और इन्होंने मुझे बताया कि ये शख्स पिछले 8 सालों से अपनी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा है। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दिनों तक मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मुझे पीटा, धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। योर ऑनर, एक समाज सेवक होने के नाते मुझे चुप ना रहा गया। मैं सबीना बहन और बच्चियों को लेकर पुलिस स्टेशन गया, इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, यू मे कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, मेरी आखिरी गवाह है मिसेस सागर हुसैन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अदालत को उनकी गवाही की जरूरत है। नो मिस्टर वर्मा, शी इज द की विटनेस इन दिस केस। अदालत अगली तारीख पर इनका बयान सुनेगी। मेरी आखिरी गवाह है मिसेस।
सब लोगों को जगाएगा क्या? अरे अच्छा आइला है धप्पड़ बचत में चुप हो जाने तो तेरा सर फोड़ दूंगा। पाटल 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 ए जोड़ीदार पाटल ए सागर पाटल ए सागर पाटल आइला हाथ कर दो भाई ए सागर। क्यों सर फोड़ा तुमने? मेरे सर पे ऐसा बोझ है जिससे मैं अपने कंधे पर लेकर चल नहीं पा रहा हूँ। इससे तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जान ही तो नहीं जा रही है, जितनी मार खाता उम्र बढ़ती है। ए, गजड़े को इतना भी नहीं पता है कि सर से सलिया नहीं सलिये से सर फूटता है। वायरस की तरफ फैले बहन। नादिर साहब देखा आपने कैसा पछता रहा है? गुनाह खुद गुनेगार को सर पटकने पे मजबूर करता है मजबूर। अब कुछ नहीं होने वाला, अब सिवाय सर पटकने के उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, रास्ता है ही नहीं उसके पास। मुलाकात सागर हुसैन। हे जीरे मारो हेलो सांबड़ो हे जी। अरे जाऊं छु पण बापा काटने को काई को दौड़ता है। जय जलाराम जय जलाराम। ये क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। अब काई का पूछताछ साहब? जब मैं पकड़ा गया था तो 21 दिन का कोर्ट से रिमांड लेकर आपने मुझे कितने सवाल पूछे थे, कितना पीटा था, याद है ना? माल कहाँ है? कौन सा माल? ये लेटर पहचानता है? हा? अरे ये लेटर तो मैंने अपनी बहरी को लिखा था, आपने अभी तक पोस्ट नहीं किया। इस लेटर को पुलिस के पास भेजा गया था क्योंकि इसके मजमून में हमें शक था। माय बाप, इस उम्र में मैं लव लेटर तो नहीं लिखूंगा ना। ये पीले अनाज की गठरी क्या है जो तुमने खेत में छुपा रखी है? ये वही सोना है ना जो तुमने जूनागढ़ में चुराया था? सोना? मुंबई क्राइम ब्रांच को बेवकूफ समझता है? तू कोर्ट में लिखेगा और हमें समझ में नहीं आएगा? पूरा खेत जोत डाला मगर सोना नहीं मिला, कहाँ छुपा है? आपने मेरा पूरा खेत जोत डाला? अरे जलाराम बापा तुम्हारी मेहर देगी बापा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच साहेब। बात ऐसा है साहेब के पिछले महीने मुलाकात के लिए मेरी बीवी मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि खेत जोतने के लिए पैसे नहीं है, अगर खेत नहीं जोता गया तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैंने दिमाग लड़ाया, मुझे मालूम था कि जेलर साहब मेरी चिट्ठी पढ़ेंगे, उसे सेंसर करेंगे और सोने की लालच में मेरा पूरा खेत जुतवा देंगे। अबे तेरी तो माइंड योर लैंग्वेज साहब, इस वक्त मैं पुलिस कस्टडी में नहीं हूँ, जेल कस्टडी में हूँ, है ना साहब? एक तो आप कोर्ट की परमिशन के बिना मेरी पूछताछ कर रहे हैं, तो मैं कोर्ट में जाके जज साहब के सामने सारी बात बता दूंगा ना तो आपकी नौकरी चली जाएगी, है ना? बाकी एक काम आपने बहुत अच्छा किया, मेरा खेत जुतवा दिया। हे जीरे मारो हेलो सांबड़ो हे। चले बंदे सीनियर का राउंड है, चलो। ए सीनियर का राउंड है, चल अंदर, डंडा पड़ेगा ना बोलने का। सांस भी नहीं लेने देता है। अरे अभी खोल के टाइम नहीं हुआ और बंडी बंडी चालू हो गया, वायरस की तरफ फैले हुए। अरे जाओ देना वहाँ कचरा ढोके तो बात करते हो। चल हाँ तू जाना तेरी वायरस वाली खोली में, जा रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नादिर साहब इसे पढ़ लीजिएगा। क्या ये? इसमें कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हैं पर मैं बोल नहीं सकता। ओ
सागर, अरे बैठो ना। मैंने तुम्हारी आप बीती पढ़ी। देखो मैंने ये चिट्ठी लिखी है, तुम इसे अपने वकील को दे देना। वो मेरा वकील तो कोर्ट में आता ही नहीं। क्यों? उसने 25,000 रुपये पेशगी मांगा था, इमदाद उसे 5,000 ही दे पाया। फिर तुम्हारा केस देखता कौन है? आपके उसका असिस्टेंट। हाँ, देखो कोई बात नहीं, तुम जज से रिक्वेस्ट करना, वो तुम्हारे वकील को बुला देंगे। लेकिन एक बात है, ये चिट्ठी किसी ना किसी सूरत में तुम्हारे वकील तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है? योर ऑनर, किसी खास वजह से मेरी मौकल सबीना बेगम आज कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकी, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि कल तक की परमिशन दी जाए उन्हें। ग्रांटेड। थैंक यू। यस यस मिस्टर सागर हुसैन। मैं अपने वकील से मिलना चाहता हूँ। आपके वकील? रवि विश्नोई जी। लेकिन वकालतनामा तो हमारे पास मिस्टर आपटे का है। नहीं, मेरे वकील रवि विश्नोई जी हैं। एस्कॉर्टिंग, इन्हें रवि बिश्नोई से मिलवा दो। उन्हें यहीं बुलवा दीजिए जज साहिबा, इन लोगों को जेल पहुंचाने की बहुत जल्दी होती है, मुझे लेकर सीधे जेल चले जाएंगे। ठीक है, उनसे कहो कि मैं मिलना चाहती हूँ। मैडम, आपने मुझे बुलाया? मैं किसी सागर हुसैन को नहीं जानता, ये केस क्या है? 307 और 376 का है। इस शख्स ने अपनी 3 सगी बेटियों का रेप किया है। इल्जाम क्या, अब तो जुर्म भी साबित हो चुका है, बस एक ही विटनेस बाकी है और मैंने तो मैडम को बोल भी दिया है कि उस विटनेस की कोई जरूरत नहीं है। मैम, वकील या तो नाम के लिए लड़ता है या पैसे के लिए लड़ता है, मगर इस केस में तो दोनों नहीं मिलेगा, बल्कि जो कमाया है वो भी जाएगा और कैरियर भी। There's nothing left in this case. It's all over. नहीं बच सकता। Sorry, ma'am. मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर आपको बुलवाया है, आप एक बार उससे मिल लीजिए। ठीक। आपटे? यस सर। ये क्या केस है भाई? सर वो ये वो सागर हुसैन साहब है सर। सर ये दरअसल आपसे केस लड़वाना चाह रहे थे, पैसे नहीं इनके पास, इसलिए मैंने इनको आपके पास आने नहीं दिया सर। आइंदा ऐसी हरकत ना होने पाए। आई एम सॉरी सर। और तुम? मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ रहा हूँ और आइंदा इस कोर्ट में मेरा नाम कतई मत लेना तुम। सर साहब, वो पैसे मैं दे दूंगा, अब चुप करो। ये कौन साहब है? ये इनके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं सर। सर आप मेरा केस मत लड़िए, लेकिन ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। जब मैं तुम्हारा केस ही नहीं लड़ रहा हूँ तो चिट्ठी क्यों पढूं? सर इंसानियत के नाते ही पढ़ लीजिए। इंसानियत के नाते? इंसानियत का नाम तुम ले रहे हो, तुम्हारी जबान से अच्छा नहीं लगता है, उसकी तौहीन होती है इंसानियत के नाते। आप संभालो उसको। चल रहे, लेके जाओ इसे। अरे क्या मतलब है? सर पढ़िएगा जरूर। मेरा कुछ नहीं होगा नादिर साहब, अब मेरा कुछ नहीं होगा। सागर, जब कुछ नहीं होता तो समझ लो कि बहुत कुछ होने वाला है। अल्लाह पे भरोसा रखो सागर। सागर हुसैन, मुलाकात। नादिर साहब। हाँ, आओ सागर, बैठो। बिश्नोई जी हमारा केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, उन्हें चाहे पैसे मिले या ना मिले, ये सब आपकी मेहरबानी है। बैठो। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह ताला का करम है। अच्छा एक बात बताओ,
ये सब बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पहले जरूरत नहीं थी और अब जरूरत आ पड़ी है। इमदाद मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी बानो ने खुदकुशी कर ली। सुन लो सालो, इस पेड़ से कूद कर जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं। पागल मत बन चंदो, नीचे उतर, उतर नीचे। अबे चुप सालो, 3 साल से मुझे इस जेल में सड़ा रहे हो और कहते हो पागल मत बन। क्या गुनाह क्या है मेरा है? सिर्फ इतना कि मैंने अपनी माँ की खातिर अपने बाप को दूसरी शादी करने से रोका। साले कहते हैं जेल सुधार गिरे है, मुझे क्रिमिनल्स के बीच में रखकर बिगाड़ डाला तुम लोगों ने। अरे नीचे उतर, जेलर साहब से हम कहेंगे और वो तुम्हें छोड़ देंगे, समझे? चूतिया समझते हो मुझे? तुम्हारे कहने से जेलर साहब छोड़ेंगे मुझे? जेलर साहब से कह के पहले मेरी तारीख लगवाओ। मेरी तारीख लगाने के लिए जब वो रेडी होंगे तब मैं नीचे उतरूंगा। अरे नीचे उतर वरना खटला लग जाएगा और 6 महीने की सजा बढ़ेगी, समझे? लगने दे, मेरे गुनाह की सजा कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, खटला लगा तो 6 महीने और, टोटल 1 साल। लेकिन मैं तो यहाँ 3 साल से सड़ रहा हूँ। अरे कुछ भी कर लो, नहीं उतरूंगा मैं। पहले मेरी तारीख लगवाओ तब मैं उतरूंगा। हाँ ऐसे नहीं उतरूंगा। या तो सीढ़ी ले गया वायरस की तरफ फैले बैन। देखा डॉक्टर साहब, एक ये है जिसकी तारीख नहीं पड़ रही है और दूसरा वो है जिसका 1 महीने में डिसीजन आने वाला है। लास्ट विटनेस है ना उसकी बीवी, मिसेज सबीना सागर हुसैन। मैडम मुझे वकील साहब के पुकारने पर एतराज है, मैं इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, यहां तक कि उसका नाम भी मेरे नाम के साथ मुझे गवारा नहीं। मुझे मेरे नाम सबीना बेगम से पुकारा जाए। लेकिन आपके कहने से हकीकत तो नहीं बदल सकती। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आपको आप ही के नाम से पुकारूंगा। उस्ताद माल तो बहुत अच्छा है, हमें पूछने के टैक्सी है, टैक्सी वो भी एसी, समझा? हाँ तो सबीना बेगम, आपने पुलिस को दिए हुए अपने बयान में मुलजिम के खिलाफ अपनी 3 बेटियों को रेप करने का इल्जाम लगाया है, क्या यह सच है? बदकिस्मती से यह बात सच है। अदालत को आप बताएंगी कि इस सिलसिले में आप क्या जानती हैं? जरूर बताऊंगी वकील साहब, मर्द औरत का मान सम्मान सब कुछ होता है। ये मर्द ही है जो एक औरत को सोसाइटी में, समाज में इज्जत दिलाता है। औरत धरती है तो मर्द उसका आकाश। मर्द की आगोश में आते ही औरत दुनिया भर की मुसीबतें भूल जाती है। एक औरत को अपने पति के खिलाफ बोलने में कितनी दिल ही तकलीफ होती है, ये तो बस वही औरत जानती है जिस पे बीती हो। ये मुल्ज़िम के कटघरे में बैठा शख्स कभी मेरा पति था, मगर आज ही इंसान नहीं हैवान है। इसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की ही, मेरे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक पति और बाप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए छत्र छाया होता है, जब वो घर में होता है तो एक सुकून, एक हिफाजत का एहसास होता है, मगर इसके घर में आते ही ऐसा लगता था जैसे घर में कोई आतंकवादी घुस आया हो। सारा घर बेचैन और व्याकुल हो जाता था। मेरी बच्चियां सहम जाती, घर के कोने कोधड़ों में छिपती फिरती थी। मैडम इस जलील ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा, अपने ही नसरों में गिर गए हैं हम। अगर बाप ऐसा होता है तो खुदा करे दुनिया में कोई भी बाप जिंदा ना रहे, क्योंकि ऐसे नीच और कमीने बाप के होने से तो ना होना अच्छा है। उस्ताद सही कहती है बेचारी, चुप। भीगी बिल्ली पे मत जा, आगे आगे देख क्या होता है। Your witness, please. खुदा किसी को ऐसा जालिम बाप और ऐसा जालिम पति न दे। इंसान नहीं भेड़िया है ये।
और कितने दुख की बात है कि एक पत्नी को कोर्ट में खड़े होकर अपने पति के खिलाफ उसके कारनामों के सारे राज उगलने पड़ते हैं। बड़ी दुख की बात है ये, है ना सबीना बेगम? आप किसी रहमत शेख नाम के आदमी को जानती है? नहीं। अच्छा, और लखनऊ में रहने वाले वाजिद अली को जानती है? नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, एक बड़ा आसान सा सवाल करता हूं मैं, सागर हुसैन से शादी करने से पहले भी आप शादीशुदा थी? मैं कुछ समझे नहीं। इसमें न समझ में आने वाली क्या बात है? सागर हुसैन से शादी करने से पहले आप शादीशुदा थी या नहीं? That's all, Your Honor. मेरे मुवक्किल सागर हुसैन से शादी करते वक्त सबीना बेगम शादीशुदा थी जी। इनके पहले शौहर का नाम है रहमत शेख और इत्तेफाक से वो हजरत इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तशरीफ रखिए। और ये रहा इन दोनों का निकाहनामा। इन दोनों की एक पहले से बेटी भी थी, साहिला। और ये रहा साहिला का बर्थ सर्टिफिकेट। जरा जज साहिबा को दिखा दीजिएगा, नवाजिश होगी। बानो का जन्म होने तक इन दोनों ने सागर हुसैन को अंधेरे में रखा, उसे नहीं बताया ये शादीशुदा थी और इनकी एक बेटी भी थी। सबीना, इसको बाहर घूमने की आदत लग गई है, इसको मैं बाहर घुमा के लाता हूँ। जी, जी। चलो चलो बेटा, बाहर चलते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं। लो ये दूध रख दो। चलो चलो बेटा, मेरा बेटा बाहर घूमेगा। देखिए, अब यहाँ बिल्कुल मत रोना। देखो अच्छी सी हवा आ रही है, सब खुला खुला है बेटा, बहुत अच्छी। खाला सुनिए, हमारी बहुत अच्छी। खाला मेरी जी, यहाँ सबीना कहाँ रहती है? यहाँ पर रहती है। शुक्रिया। कौन? अच्छा, तो यहाँ याशी हो रही है, किसी की पाबंद हो या धंधा कर रही हो? तमीज से बात कर। मुझे तमीज सिखाती है साली, कपड़ों की तरह मर्द बदलने वाली औरत? तुझसे तमीज से बात करना तो तमीज की तौहीन है। चल निकल यहाँ से। अरे मुझे खुद को घिन आ रही है तेरे सामने खड़ा होकर। ये बच्ची जिसे तू निकाल कर मेरी छाती पर डालकर भागाई है ना, इसे मैं तुझे सौंपने आया हूँ। क्यों, ये तेरी नहीं है? इसे क्या मैंने अपने अकेले के खून से जना है? अरे मेरे पेट पे अपना पेट रखकर रात रात भर रगड़ा है तूने, तब जाके पैदा हुई है ये। मेरा मर्द बनने में तो तुझे बड़ा मजा आता था, बच्ची का बाप बना पड़ा तो हवा निकल गई। चल दफा हो यहाँ से, वरना शोर मचा दूंगी और लोग तेरा सर फोड़ देंगे। और सुन, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं धंधा करूं या किसी की रखेल बनूं, तुम मेरी कब्र पे छाती मत पीटना। अब दफा हो यहां से, मैं कहती हूं निकल जा भड़वे कहीं के, जा यहां से और दोबारा पलट कर नहीं आना यहां पर, आ जाते मेरी जिंदगी लग। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। सबीना, हम इस बच्ची को पालेंगे। आज से इसके अब्बू और अम्मी हम ही दोनों हैं।
योर ऑनर, मैं सिर्फ ये कहूंगा, इन तमाम बातों का बलात्कार से क्या ताल्लुक है? इन्हीं बातों का ताल्लुक है योर ऑनर, मैं भी साबित किए देता हूं। तशरीफ रखिए ना। ये इनके क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स की जीरोक्स कॉपी है, ये इनके मोबाइल फोन्स के बिल्स हैं, और ये चेंबूर में 15 मंजिला इमारत है, उसमें इन्होंने 3 साल पहले 5 बेडरूम हॉल का फ्लैट खरीदा था। ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जरा ये जज साहब को दे दीजिए। और इनका ये कीमती लिबास, ये ज्वेलरी, ये पर्सनल्स, ये महंगे परफ्यूम्स, ये वो सब जो इन्होंने आमदनी बताई थी उससे मेल नहीं खाते हैं। तो सबीना बेगम, ये किस धंधे का पैसा है? आपने तो अपने बयान में कहा था कि आपका घर किराए का है, घर में फोन तक नहीं है, मगर यहाँ तो सब मामला उल्टा है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपने तो सिर्फ 5 मिनट में ही अपने मौकल को बेकसूर साबित कर दिया है। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरह मैं भी नहीं समझ पाया कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। मुमकिन है कि आपने सबीना बेगम के बारे में जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन इन तमाम बातों का इस बलात्कार के केस से क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है? यस मिस्टर बिश्नोई, इन सब बातों का इस केस से क्या सरोकार? ताल्लुक है योर ऑनर। दुनिया में कहीं भी कोई जुर्म होता है तो वहां पर ना कोई डिफेंस लॉयर मौजूद होता है, ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होता है, ना कोई जज मौजूद होता है। हम वकील लोग अपनी जिरह के जरिए उस मुलजिम या गवाह का कैरेक्टर एस्टैब्लिश करते हैं। मैं भी आज इस औरत का कैरेक्टर आपके सामने लाना चाहता हूं। इस औरत ने अपनी पहली शादी की बात अपने दूसरे शौहर को नहीं बताई। मैंने इसे 3 सवालात पूछे, इसने 2 के जवाब झूठ दिए। इसका मतलब यह औरत 2/3 झूठी है। योर ऑनर, जब कोई मर्द बिगड़ता है तो समाज का सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, लेकिन जब कोई औरत बिगड़ती है तो पूरा समाज बिगड़ जाता है, क्योंकि औरतों को भगवान ने नस्लों का अमानतदार बनाया है। जब औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ जाती हैं, और ये भी एक बिगड़ी हुई औरत है। इसने अपने पहले शौहर से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की, जिसकी इजाजत न दुनिया का कानून देता है, न मजहब देता है, न समाज देता है। सागर हुसैन ने अपनी बेटियों के साथ बलात्कार किया या नहीं किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि ये औरत पिछले 20 साल से लगातार सागर हुसैन के साथ बलात्कार कर रही है। आप भी हम ही को सजा दिलवाना चाहते हैं वकील साहब? हम गरीब हैं और गरीब होना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी और लाचारी भी है। आप हमारी हालत नहीं जानते। क्या सागर हुसैन ने अपनी सौतेली बेटी साहिदा के साथ भी बलात्कार किया था? योर ऑनर, इसका मतलब हुआ कि सागर हुसैन पे 3 बेटियों के नहीं 4-4 बेटियों के बलात्कार का मुकदमा चलाना चाहिए। साहिदा वाजिद को भी इस मुकदमे में शामिल कर लेना चाहिए। उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। क्यों नहीं किया? वो तो उसकी सौतेली बेटी थी। अब उसी से नहीं पूछ लेते? उस वक्त उस पर हैवानियत सवार नहीं थी? योर ऑनर, वो 4 हो 3 हो या 1 हो, बलात्कार तो बलात्कार ही है, रेप इज रेप, और इसकी सजा इस मुजरिम को मिलनी ही चाहिए। अच्छा पॉइंट है, खूब पकड़ा है डिफेंस ने। आपको बलात्कार के बारे में पहली बार कब पता चला? पहले दिन ही, 8 साल पहले, जब रात में मेरी आंख खुली। क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, सो जाओ। अनो Thank you.
सारे मेरी बेटी खून क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? वो मेरे पास मुफ्त में नहीं आती है, पैसे लेती है, रोकड़ा लेती है, और जितने पैसे मैं उसको देता हूँ उतने पैसे में कहीं भी जाकर सो सकता हूँ। यहाँ पे शर्मो हया सब ताक में रखती है। हुआ क्या है? इससे पूछे रिक्शा वाले साहब क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? निर्लज्ज क्या कर रही थी? रिक्शा वाले से प्यार करती है बानो। यही यही गाड़ी वाले, ये रिक्शा वाले, ये तुम जैसे जरी वाले के घर ही जाएगी ये। अरे बानो के लिए मैंने खुद वो रिक्शा वाले को चुना है। खुद का रिक्शा है, खोली है, जुबान हो गई है ये। तुम तो ना इनको खाना दे पाए ना इनका बदन ढक सके। भिखारियों को गैरतमंद का ढोंग नहीं करना चाहिए। हंसते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं। चल बानो। बानो के साथ सागर हुसैन ने नहीं, रिक्शा ड्राइवर जाफर ने मुंह काला किया था। ये मुआ मर्दू तो मेरी बच्ची को कब्र में भी सोने नहीं देगा। अरे अब तो मर चुकी है, बख्श दो उसे, बख्श दो। मेरी मरी हुई बच्ची पर क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं, क्या क्या इल्जाम। अरे ये जमीन क्यों नहीं फटती, आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता? या अल्लाह, तू उसे उठा क्यों नहीं लेता ताकि पाप कटे? वकील साहब, आप भी इसकी करतूतों में बराबर के शरीक होते जा रहे हैं। आप मेरे सिर्फ सवालात का जवाब दीजिए। अरे मनगढ़ंत बातों का मैं क्या जवाब दूं? तो ये भी मनगढ़ंत बात होगी कि 4 साल पहले आपकी बेटी बानो उसी जाफर के साथ घर से 60,000 रुपए लेकर भागी थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इस कमीने ने मेरी बेटी को भगाया होगा और यही इसको भगा के ले गया। इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और इसको अभी बंद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। अरे सागर हुसैन, तेरी लड़की ने जो किया है ना उसकी सजा तो उसको मिलेगी, पर तू समझता क्यों नहीं है? अगर इसके बारे में तेरे समाज में लोगों को पता चलेगा तो तेरी और तेरी बेटी की कितनी बदनामी होगी। अरे कौन थामेगा इसका हाथ? बेहतर यही है कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। और सुनो, ये तुम्हारी लड़की 60,000 रुपए लेकर भागी थी ना, उसमें से 12,000 उसने खर्च कर दिए हैं और ये 48,000 हमने रिकवर कर लिए हैं, समझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए साहब। आप हमारी रिपोर्ट लिखिए, इसको अभी बंद कीजिए, इसे मार मार के तोड़ डालिए साहब। अरे आमरे साहब, समझाओ इसको। तुम पागल हो गए हो? अरे अपनी बेटी की बात है, लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी रिक्शे वाले के साथ भाग गई है तो सड़क पर सर उठाकर चल नहीं पाओगे तुम। इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी, वैसे भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। इज्जत भी चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, नहीं करना। ए तुम्हारी बीबी एकदम बराबर बोल रही है। सागर हुसैन इधर आओ, ये इधर साइन करो, अपना पैसा उठाओ और अपनी लड़की को लेकर चले जाओ। अब तो ये मनगढ़ंत बात रही नहीं, और ये रसीद इस बात का सबूत है कि बानो पैसा लेकर जाफर के साथ ही भागी थी। पुलिस में केस भी हुआ था, इन्होंने कंप्लेंट भी लिखवाई थी। अब तो बानो मर चुकी है, मैं उसकी मिट्टी खराब नहीं करना चाहती। अरे वो जहाँ है अच्छी जगह है, हम भोग रहे हैं, मैं उसे रुस्वा नहीं करना चाहती। अरे आप खुद क्यों नहीं समझते कि वो घर से क्यों भागी होगी? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो घर से भागी क्यों थी। इसी हरामी बाप की वजह से इसने ही बानो को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया था। शादी नहीं करवाता था क्योंकि खुद के इस्तेमाल में ला रहा था। अरे वो बेचारी भागती नहीं तो क्या करती? एक बात बताइए सबीना बेगम, जब आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी तो ये भी लिखवा दिया था कि यह हरामी बाप के गंदे करतूतों से तंग आकर बानो घर से भाग गई थी? मिस्टर विश्नोई,
सबीना बेगम एक सीधी सादी हाउसवाइफ है, आपकी तरह वकील नहीं है जो कानून की बारीकियों को समझ सके। हाँ माना कि उस वक्त इन्होंने अपने बयान में सागर हुसैन के बलात्कार का जिक्र ना करके बहुत भारी गलती की है, बट यू अंडरस्टैंड कि आज भी ये वही जुर्म है जो होता ज्यादा है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग बहुत कम की जाती है, कभी खानदान की इज्जत बचाने की वजह से, कभी डर की वजह से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन दिस पर्टिकुलर केस द रेप हैज नॉट टेकन प्लेस, द रेप हैज टेकन प्लेस और जुर्म की संगीनी अपनी जगह मौजूद है। इसलिए मेरी आपसे इल्तजा है मिस्टर बिश्नोई, क्या टू द पॉइंट जरा कीजिए ना। सबीना जी, आपकी लड़कियां बार में डांस करती हैं? ए मधुबाला,
में डांस करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या हुआ, पैसा मिलता है, इतनी बड़ी हो गई क्या दिया? न पेट पर रोटी, न बदन पर कपड़ा। क्या दिया? क्या दिया? बदन भर कपड़ों के लिए अधमंगी होकर बार में डांस करती हो, अपने बाप की इज्जत की कतई परवाह नहीं तुम्हें? कौन सी इज्जत? किस इज्जत के ढोल पीट रहे हो तुम? अगर ये नाच गाकर चार पैसे ना कमाए तो ये तीनों नंगी घूमे। पहले इज्जत से जीने का जुगाड़ करो, फिर इज्जत से रहने की नसीहत दो। अभी तक तो इन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा। चल बेटा खाना खाते, चल आजा। आज मैंने तुम्हारी मनपसंद सेवइयां बनाई हैं। क्यों वकील साहब, बार डांसर होना बुरी बात है या गैर कानूनी? अरे आप पर भी अगर दो वक्त का फाका गुजरता तो आप ये सवाल नहीं करते। आप भी अगर पल पल तिल तिल के लिए तरसते तो ये सवाल नहीं करते। सबीना बेगम, आप शायद गलतफहमी का शिकार हैं। अपना बचपन भी तंग दस्ती, मुफलिसी और महरूमियों का शिकार हुआ है। एक खंडर जैसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर 150 स्क्वायर फुट के कमरे में माँ बाप और चार बहन भाइयों के साथ रहते थे हम लोग। वालिद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक मामूली से क्लार्क थे, ऊपर की आमदनी में यकीन नहीं रखते थे। इतनी उनको तनख्वाह मिलती थी जिसमें घर चलाना ऐसे था जैसे छोटे से रुमाल से पूरा तन ढांकने की नाकाम कोशिश करना। घर की बिजली अक्सर कटी रहती थी, घर में रोशनी नहीं होती थी। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी घर में आती थी, उसमें हमने पढ़ाई पूरी की है। और ये भी नहीं किया कि कॉलेज के ज़माने में गली के नुक्कड़ पे किसी मटके के अड्डे पे जाके नौकरियां की और चिट्ठियां फाड़ते रहे और पैसे कमाते रहे। मैडम, इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें अपनी इज्जत और आबरू बरकरार रहे। समाज का हर कमजोर, हर गरीब आपको देखकर सबक ले, मुफलिसी के आगे घुटने न टेक दे, तंग आकर गंदे काम न शुरू कर दे। पैसा मिल चुका है, वहां पैसा मत मांगना। हमारा पुराना ग्राहक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। और अगर रात को रुकने के लिए कहे तो रुक जाना, ठीक है? ड्राइवर ले जाओ। चलो। चलिए सबीना बेगम, आज आपको नई रोशनी दिखा दे। तेरा काम हो गया हो तो मेरे पास छोड़ के जा, मेरा काम भी हो जाएगा। इस नास पीटी के कीड़े पड़े, वो धरती का बोझ दीदे भाड़े देख रहा है। मरता भी तो नहीं है, इस हरामी के वजह से क्या क्या रुसवाइयां हो रही है, क्या क्या रुसवाइयां हो रही है। हमरे साहब, आपने तो कहा था कि अदालत में हमें इंसाफ मिलेगा, क्या ये होता है इंसाफ? अरे यहाँ इंसाफ होना तो दूर की बात है, उल्टा हमें पर जलील और घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मेरी बच्ची तो कब्र में भी तड़प उठी होगी, मरकर भी उसे चैन नहीं मिला होगा। जज साहिबा, आप चाहे तो इसे छोड़ दे या सजा दे, हमें माफ कर दीजिए।
हमें ये केस और नहीं लड़ना, नहीं लड़ना और ये केस। Your Honor, what is this going on? आखिर मेरे काबिल दोस्त इन बड़ी बड़ी बातों से साबित क्या करना चाहते हैं? मिस्टर बिश्नोई, आप अदालत की मर्यादा का लिहाज करते हुए जिरह करिए और ये ख्याल रखिए कि सामने एक औरत है, उसके मान सम्मान को ठेस ना लगे। और आप भी इनके सवालों का ठीक ठीक जवाब दीजिए। Your Honor, मेरे क्लाइंट सागर हुसैन पे ये इल्जाम भी है कि उसके बलात्कार की वजह से लड़कियां एक बार नहीं कई बार प्रेग्नेंट हुई और उनका गर्भ ही गिराया गया। अलग अलग मर्दों के साथ सोने वाली लड़कियां सिर्फ सागर हुसैन से प्रेग्नेंट हुई, इसका फैसला कैसे होगा? कुछ खास पॉइंट्स मैं कोर्ट के सामने पेश करता हूं। वारदात के समय जो कपड़े मिले उनका लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कराया गया। सागर हुसैन के CMN का CFSL रिपोर्ट नहीं है। लड़कियों की अंदरूनी जांच यानी मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया। बलात्कार के समय लड़कियों का DNA टेस्ट होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। किसी मुल्ज़िम को जब चार्जशीट किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है। जाहिर है मेरे काबिल दोस्त ये तो जानते होंगे कि इस केस में भी मेडिकल टेस्ट हुआ है और उसके साथ ही इनकी ब्लड रिपोर्ट भी है। आपका क्या ब्लड ग्रुप है मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मिस्टर बिश्नोई, आप फिर इस केस से दूर होते जा रहे हैं। अरे मेरे एक सीधे से सवाल से आप बिदक क्यों रहे हैं, बताइए ना। वेल, इट इज AB पॉजिटिव। योर ऑनर, यही ब्लड ग्रुप सागर हुसैन का भी है। और हजारों लाखों लोगों का होगा, तो इससे ये कैसे साबित होगा कि ये जो बलात्कार है वो सागर हुसैन ने किया है? तो मिस्टर वर्मा, इस रिपोर्ट की बुनियाद पर तो हर AB पॉजिटिव वाले पर बलात्कार का चार्ज लगाया जा सकता है। अगर यहाँ किसी मेल या फीमेल की CFSL रिपोर्ट होती, मेडिकल रिपोर्ट होती, DNA रिपोर्ट होती और उसके सपोर्ट में ब्लड रिपोर्ट होती तो बात बनती। सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से इतने बड़े चार्ज को एस्टैब्लिश करना कतई नामुमकिन है। बट इन दिस केस इट इज वेरी सिंपल। चार्ज शीट को एस्टैब्लिश करने के लिए ब्लड रिपोर्ट ही काफी है, क्योंकि विक्टिम्स कोई और नहीं है बल्कि सागर हुसैन की सगी बेटियां हैं। मगर कानून की किताबों में यह कहां लिखा है कि सगे रिश्तेदार अगर इल्जाम लगाए तो ये सब टेस्ट नहीं कराने चाहिए? इसके अलावा मरहूम बानो को डायरी लिखने की आदत थी। वो डायरी खुद ब खुद एक मजबूत एविडेंस है। उसकी 8 साल की डायरी मुकम्मल है। उस डायरी की CFSL रिपोर्ट है? डायरी के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट मौजूद है और उसने बयान दिया है कि वो हैंडराइटिंग मरहूम बानो का ही है। मगर वो रिपोर्ट ये साबित तो नहीं करती ना कि वो डायरी की इंक है स्याही, वो एक रात में इस्तेमाल हुई थी या 8 साल में इस्तेमाल हुई थी? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर ये दो टेस्ट होते तब प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत होता। लेकिन अगर आप मेरे एतराजात को संजीदगी से नहीं लेंगे और एक ही राग अलापते रहेंगे कि सगी बेटियों ने इल्जाम लगाया है, तो फिर मैं यही समझूंगा कि इस अदालत से मेरे क्लाइंट को इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मगर आप यकीन रखिए कि इस अदालत में न सही, इससे ऊंची अदालत में वो साफ बरी हो जाएगा। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त धमकी दे रहे। मिस्टर बिश्नोई, बिहेव योरसेल्फ। आप अदालत को धमकी दे रहे हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं फिर कहूंगा कि मेरे काबिल दोस्त खा मखा अदालत का कीमती वक्त आया कर रहे हैं। यह सवाल खुद अपनी जगह बहुत बड़ा है और हर अदालत इस पर बहुत संजीदगी से गौर करेगी। क्या इस सवाल की अहमियत कम नहीं है कि सगी बेटियां अपने ही बाप पर क्यों ऐसा घिनौना इल्जाम लगाएंगी? मैं उसी तरफ आ रहा हूं मिस्टर वर्मा। ओके, अदालत आपका बयान गौर से सुनेंगी। शुक्रिया। 3 में से 2 बेटियां मां के बताए हुए गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी थी और बाप को उसका पता भी चल गया था। अब सवाल था 3री बेटी रूबीना का, जो सियानी हो गई थी, बाप की लाडली थी मगर नाबालिग थी। मगर दौलत के लालच में अंधी मां ने दोनों हाथों से दौलत बटोरने के लिए रूबीना की नथ उतरवाई का सौदा एक बार के मोटे सेठ के साथ तय कर लिया था। नथ उतरवाई का मतलब समझते हैं ना आप? जी, आप खुद ही बता दीजिए ना, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे।
गर्म गोश्त यानी फ्लैश के धंधे में उतारने के लिए पहली बात जो सबसे बढ़कर बोली लगाता है या जो सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है, पहली रात उस लड़की को उस मर्द के साथ सोना पड़ता है, इसको नथुतरवाई कहते हैं। मगर उन लोगों की बदकिस्मती कि नथुतरवाई की इस बात का सागर हुसैन को पता चल गया। उसके अंदर एक जिम्मेदार बाप और एक फर्ज को पहचानने वाला बाप जाग गया। उसने हर हाल में अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, वो हर हाल में अपनी छोटी बेटी को बचाना चाहता था। इसके लिए सागर हुसैन ने एक कदम उठाया। नहीं अबू, अबू नहीं। अगर तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम चारों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कल सुबह मैं ये शहर छोड़ देना चाहता हूँ और तुम चारों मेरे साथ गांव चलोगी। गांव मैं जब तक आता हूँ तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक भी घर से बाहर निकला तो सीधा कटा मिलेगा बाहर। इमदाद, किसी भी तरीके से मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कल सुबह लखनऊ जाना चाहता हूँ। तो मुझे पुष्पक या कुशीनगर एक्सप्रेस के 5 टिकट लाकर दे दो मेरे भाई। अगर ये फैसला तूने पहले किया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सागर, एक कहावत है कि औलाद को सोने का निवाला खिलाओ लेकिन देखो दुश्मन की नजर। हाँ यार, मुझे बाप बनना नहीं आया, मैं हार चुका अपनी बीवी और बच्चों से। तुम टिकट करो, खुदा के लिए तुम। कुछ करता हूँ, मैं तेरे लिए टिकट का इंतजाम करता हूँ। संभाल। इस बार पर्सनल पार्टी में सिर्फ 11 आइटम। ओके ओके, भेज दूंगा। मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो? बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो ना? आओ आओ आओ, ले चलता हूँ। आओ चलो चलो आओ। अरे रिफत, डर क्यों रही हो? अरे भाई, तुम्हारे अब्बू तुमसे मिलने आए हैं। आओ सागर आओ। अरे सबीना, देखो देखो कौन आया है। सागर आओ ना, आ जाओ, आओ आओ आओ, देखो। कमाल है। अरे भाई, कोई कुछ बोलेगा पूछेगा भी? जाओ चाय और नाश्ता लेकर आओ। आओ सागर बैठो। अरे बैठो ना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। यकीन नहीं आ रहा? सबीना से पूछ लो। सबीना बताओ, इन्हें किसका घर है ये? हमारा। और अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा भी हो सकता है। मेरी बेटियों ने अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से ये सब हासिल किया है। हाँ अबू, जितना ये सब अम्मी का है उतना ही आपका है। आपने ही तो बचपन से लेकर आज तक हम लोगों का पेट पालकर हमें जवानी बख्शी है। इसीलिए हमारी कमाई पर आपका भी बराबर का हक है। तुम्हारे धंधे में हक सिर्फ दलालों और बड़ुओं का, और मैं बड़ुआ नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। ये नहीं मानेगा सागर हुसैन। तुम जैसे लोग बंद आंखों से सपना तो देखते हैं, पर जब वो सपना हकीकत बन जाता है तब तुम उस हकीकत को भी सपना समझकर अपनी आंखें बंद कर लेते हो। आंखें तो तूने बंद कर दी इनकी, अभी भी कहता हूं सुधर जाओ, हकीकत को समझो, हकीकत को। अब्बू, आज के जमाने में हकीकत सिर्फ पैसा है, और
उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है? और इज्जत? पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप? गलत सोचते हैं आप। आलीशान बिल्डिंगों में आलीशान फ्लैट, ये इज्जत है। उन फ्लैट्स में टीवी, फ्रिज, एसी, ये इज्जत है। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, डिजाइनर जूते, ज्वेलरी, ये इज्जत है जो आप हमें कभी नहीं दे सकते। ये रातों रात अमीर बनने के चक्कर में तुम अपना आपा और इज्जत कहीं दूर छोड़ा है वो। अरे सब तेरी वजह से हुआ। बाहर फेंको इसे और कल सुबह तक ये शहर छोड़ देना। अरे तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे क्या करेगी? अरे साली तू क्या करेगी? क्या साली तेरे बॉडी बॉडी काट के तुझे कुत्ता बना खिलाऊं। ए hey, सागर रोशन तेरे नाम है ना? साला अपनी बेटियों पे रेप करता है। चले गए गए चल 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 चल। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। सागर हुसैन नहीं एक बाप चुप हो गया। उसने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया क्योंकि सारे समाज की नफरत भरी निगाहें उसकी तरफ थीं, मगर समाज की हमदर्दियां उसकी बेटियों की तरफ थीं और वो उन्हें समाजी तौर पर बेसहारा नहीं करना चाहता था। मगर अचानक एक अनहोनी हो गई, बानो की मौत हो गई, एक दूरअंदेश बाप बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं अब भी खामोश रहा तो मुजरिमों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बाकी दो बेटियों का अंजाम भी बानो जैसे ही हो जाए। रही बात बानो की मौत की, तो योर ऑनर, बानो एक बहुत ही अहम विटनेस थी। ऐसा अंदाजा है कि वो बाप के साथ हुई नाइंसाफियों पर शर्मिंदा थी और आहिस्ता आहिस्ता बाप की तरफ झुकने लगी थी। इस केस के किसी भी स्टेज पर आकर वो कुछ उगल न दे, उसको रास्ते से हटा दिया गया। यह बात मैं साबित कर सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे गवाह पेश करने की इजाजत चाहिए। यस मिस्टर पीपी वर्मा। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस कौन है? इमदाद अली। परमिशन ग्रांटेड। लेकिन मैं उससे पहले एक दरख्वास्त करना चाहूंगा अदालत से कि मिस्टर आमरे, सबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को टिल हियरिंग पुलिस कस्टडी में रखा जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं कि वो खुदकुशी नहीं थी, मर्डर था, प्लान मर्डर। और मैं नहीं चाहता हूं कि इनमें से किसी का भी हशर बानो जैसा हो। यह अदालत प्रोसिक्यूशन को हुक्म देती है कि मिस्टर आमरे, शबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को पुलिस निगरानी में रखा जाए। इमदाद अली साहब, आपका पूरा नाम क्या है? जी, इमदाद अली वल्द गुलाम अली। जी, आप ये मुलजिम सागर हुसैन को कब से जानते हैं? लखनऊ से। ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैं और सागर हुसैन बचपन से खेल कूद कर बड़े हुए हैं। पहले मैं मुंबई चला आया था, बाद में इसने मुझसे कांटेक्ट किया काम के लिए, तो मैंने बिला झिझक उसे यहाँ बुला लिया। अच्छा, मतलब आपका और सागर हुसैन का बहुत लंबा साथ रहा है। आपने अपनी जिंदगी में किसी भी बातचीत में, ताल्लुकात में सागर हुसैन को कैसा पाया? जैसा एक शरीफ आदमी को होना चाहिए वकील साहब। मगर सागर हुसैन पर तो अपनी तीन सगी बेटियों के बलात्कार का इल्जाम है। आपकी दानिश से वो ऐसा बेहुदा और गंदा काम कर सकता है? वकील साहब, कोई मुझसे जलते हुए तवे पर भी बैठ कर कहे ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, सागर हुसैन की बड़ी बेटी बानो, उससे आखिरी मिलने वाले आप ही थे? जी। अदालत ये जानना चाहेगी कि आप उससे मिलने क्यों गए थे। पैसा नहीं होने की वजह से आपने ही केस से हाथ खींच लिया था वकील साहब। सागर हुसैन मेरा दोस्त परेशान हो गया था। एक दिन उसने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे डिपॉजिट के पैसे मकान मालिक के पास पड़े हैं, अब उस खोली में कोई रहता नहीं है, लिहाजा तुम मकान मालिक के पास जाओ और डिपॉजिट के पैसे लाकर वकील साहब को दो ताकि वो मेरे केस में दिलचस्पी ले। मैं मकान मालिक के पास गया, डिपॉजिट के पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। कहा सबीना बेगम ने उससे कहा है कि डिपॉजिट के पैसे किसी को नहीं दिए जाएं।
उस दिन सबीना बेगम और आमरे किसी काम से अदालत में रुक गए थे। मैं बाहर निकला तो वहाँ बानो खड़ी थी। बानो, देखो अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना कहाँ तक ठीक है बताओ? चाचू पर मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटी, मैं मुमरा वाले मकान मालिक के पास गया था वो डिपॉजिट के पैसे लेने के लिए। खोली खाली पड़ी है, तुम लोग रहने के लिए बड़े मकान में चले गए हो। अगर डिपॉजिट के पैसे मिल जाते तो मैं वकील की फीस दे पाता। तो ले लो। वो नहीं देगा, वो कहता है जब तक तुम या तुम्हारी अम्मी नहीं कहेंगी तब तक वो पैसे नहीं देगा। ठीक है चाचू, आप कल आ जाइए, मैं दिलवा देती हूँ। अरे चाचा आप, अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। एक मिनट, हाँ बस एक मिनट, ये ख़त्म कर लो। ये लेटेस्ट मोबाइल है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, यू नो इसमें कैमरा भी है। आपका फ़ोटो खींचूँ? एक मिनट, देखिए ना। ये देख, खींच गया ना, अच्छा है। एक आपका और मेरा, हाँ एक मिनट, मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आपकी और मेरी मूवी बनेगी। हाँ, लो मोबाइल के चक्कर में आपको पानी पिलाना ही भूल गई। ये लीजिए, पानी पीजिए, लीजिए। बानो, वो डिपॉजिट के पैसों का क्या हुआ? अरे चाचा, मैंने आते ही मकान मालिक को बुलाया था, वो अभी क्या हुआ है, पैसे लेके आता ही होगा। रुक जाइए। क्यों बे भड़वे, क्या करने आया था यहाँ पर? अम्मी, हाँ जासूसी करने आया था छिनाल की। क्यों, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरी भोली भाली बेटी को फंसाने आया है? सबीना मैं, चुप। अपने दोस्त सागर हुसैन का हश्र देखने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? तू तो अब मेरी हिट लिस्ट पर है। तुझे तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहाँ तुझे पानी तक नहीं मिलेगा। जरा मेरी भी तो सुन, चाचू खुद यहाँ नहीं आए, मैंने बुलाया था उन्हें, मकान मालिक अभी आता ही होगा, डिपॉजिट के पैसे लेने गया। अच्छा, चलिए घर। अकेले रूम में बच्ची के साथ क्या कर रहा था है? पहले बाप लगा हुआ था और अब चाचा भी बहती गंगा में हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के बाद तेरा थोबड़ा यहाँ देख लिया तो तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर नहीं जाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आया था है, बाप कमाल समझाए क्या? चल निकल यहाँ से, चल। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से चला आया, लेकिन शाम को मुझे पता चला कि बानो ने खुदकुशी कर ली। लेकिन मुझे नहीं लगता वकील साहब, बानो ने खुदकुशी की होगी। मैंने उसमें अपने बाप के लिए जज्बाती तब्दीलियां महसूस की थी, उसे अपने बाप से हमदर्दी हो चली थी। शायद आमरे और सबीना ने भी उन तब्दीलियों को महसूस किया होगा, इसलिए उसे इन्होंने रास्ते से हटा दिया। Your witness. तो तुम्हारे ख्याल में ये खुदकुशी नहीं कत्ल था, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो वजह होगी तुम्हारे इस ख्याल की। वकील साहब, मैं इन लोगों को आज से नहीं बरसों से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि क्या हुआ और क्यों हुआ। क्यों हुआ? ये लोग इतने जलील और कमीने हैं। जिस तरह इन्होंने मेरे दोस्त सागर हुसैन को फंसाया, उसी तरह बानू को भी रास्ते से हटा दिया। मिस्टर इमदाद अली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये कत्ल क्यों है, खुदकुशी क्यों नहीं? मैं जब बानू से मिला था तो बहुत खुश लग रही थी, चहक रही थी। वकील साहब, खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। चलिए मान लिया कि खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। आप बानू को कौन सी तारीख को मिले थे? कोई 17 या 18। एक तारीख, 17 या 18, जस्ट वन डेट आई वांट टू नो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तारीख का क्या सवाल है? कैरी ऑन मिस्टर वर्मा। थैंक यू योर ऑनर। 18 तारीख को। योर ऑनर, ये शख्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि सागर हुसैन के केस की तारीख 17 थी और बानू ने 18 तारीख को खुदकुशी की थी। अच्छा, जब तुम बानो के घर गए तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले उसने मुझे बिठाया, फिर पीने के लिए गिलास पानी दिया। योर ऑनर, यहां भी ये शख्स झूठ का सहारा ले रहा है। वो गिलास
बतौर मुद्दा माल अदालत में मौजूद है और उसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। मेरा ख्याल है पीपी को बैठने का प्रिंट मिल गया, तभी तो पेली पे कोई कमेंट नहीं किया। जब भी कोई खुदकुशी पुलिस के नोटिस में लाई जाती है तो उसमें हर किस्म के पहलू के बारे में सोच विचार होता है। जाहिर है कि मर्डर के पहलू में भी सोच विचार होता है। फिर भी अगर अदालत अपना इत्मीनान करना चाहती है तो सारा सामान अदालत में। योर ऑनर, बानो की खुदकुशी से ताल्लुक रखने वाला जितना भी मटेरियल कोर्ट में मौजूद है, मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। पंचनामा मुद्दा माल को कोर्ट में पेश किया जाए। खोलो। योर ऑनर, यह मुद्दा माल अभी अभी खुला है, जिसे ना मैंने देखा है ना इमदाद अली ने देखा है। ये पानी की बोतल और ये गिलास साबित करते हैं कि मेरा गवाह झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इन पर फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है। जरा ये मोबाइल जज साहिबा को देना। तू योर ऑनर, जरा उस मोबाइल को ऑपरेट कीजिए। तो मिस्टर बिश्नोई, लगता है बैटरी खत्म हो चुकी है, फोन ऑन नहीं हो रहा। वन मोमेंट योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, जरा अपना मोबाइल लीजिएगा। तो क्यों? अरे आप क्रूशियल मोमेंट पे भी जिरा करने से बाज नहीं आते, दीजिए ना। थैंक यू। इसकी बैटरी निकाल कर उस मोबाइल में डाल दो। अब वीडियो में जाइए। चलकर नहीं जा पाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आया था, हैं? बाप कमाल समझा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल। वो तो शुक्र करो कि मकान मालिक ने फोन कर दिया और हम यहाँ पे सही वक्त पर पहुँच गए, वरना इस कमीनी ने तो इमदाद को पैसा दिलवाकर सागर को बाहर और हमें अंदर करवाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। अच्छा, कुतिया जलील, आज तू इतनी बड़ी हो गई कि फैसला खुद करने लग गई। अरे भूल गई वो दिन जब 50-50 रुपए के लिए यारों के पहलू गरम करती थी। अरे दुआ दे तू आमरे को जिसने तुझे बार में रखाया और हमारे दिन फिर गए। भूल गई सर? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया अम्मी जो तू आप से बाहर हो रही है? अरे वो मेरा बाप है, उसकी जरा सी मदद क्या करनी चाहिए? तूने तो आसमान सर पर उठा लिया। क्या गलती थी उसकी? हाँ यही ना कि वो हमें गुमराही के रास्ते से बाहर निकालना चाहता था, जो हर गैरतमंद बाप का फर्ज होता है। खैर फर्ज तो तेरा भी था, लेकिन तू अपनी मस्ती में मस्त, अय्याशी में धुत, मां समेटने में लगी हुई थी। तू कमीनी है, बेगैरत है। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, बहुत बोलने लगी है तू। तू बीच में मत बोल कमीने, ये हमारा फैमिली मैटर है कि सारी जिंदगी मेरे बाप को जेल में सड़ाने का इरादा रखा है। बड़वे चुड़ैल, आज ये मैटर तेरा फैमिली मैटर हो गया और मैं भड़वा? क्या करती है? हम तीनों बहनों को दागदार कर दिया और पता नहीं कितनी बहनों को दागदार किया। तू तो समाज से दूर है। क्या करती है? तीनों हो गई है? आप पागल हो गई हो? मैं अम्मी छोड़ मुझे। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता साला मेरे पे हाथ उठाता है। कर बस बन, ना छोटा देखती है ना बड़ा, जो मुँह में आए बके जा रही है। अरे रोटियां चढ़ गई है तुझ पे, खुशी हजम नहीं होती, चर्बी चढ़ गई है तुझे, चर्बी। चल चल अमरे से माफी मांग। चर्बी तो तेरी आंखों पे चढ़ गई है अम्मी, जो तुझे इस आदमी के सिवा कोई दिखता ही नहीं। माफी मांगू और इस कुत्ते से? तू कभी नहीं, हरगिज नहीं।
आज मैं कोई फैसला करके ही रहूंगी। क्या फैसला करेगी? है क्या तेरे बस में? तू देखती जा मेरे बस में है क्या। आज तक तुझे लगा ना कि तेरे सारे पासे सीधे पड़े, उसकी वजह भी हम ही है। तू समझती है कि तू बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, तुझे बहुत नाज है अपनी चालाकी पर ना। मैंने तेरा और तेरे इस यार का ऊंचा सर नीचे नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी बानो सागर हुसैन नहीं। अदालत में सब कुछ बता दूंगी, तुम लोगों के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दूंगी, बोलूंगी कि बलात्कार मेरे बाप ने नहीं इसने किया है और तू उसमें शरीक के जुर्म है। एक एक बात बताऊंगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे इस माहौल से नफरत हो गई है। जा रही हूं मैं। बहुत फेंक चुका पत्ता फेंक। इसकी जिंदगी हमारी मौत है। आज तक इस अदालत में सागर हुसैन पर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, मगर हकीकत तो यह है कि हमने, बल्कि पूरे सिस्टम ने सागर हुसैन के साथ बलात्कार किया है। पल पल उसके साथ बलात्कार किया है। उसको कितनी जहनी और दिली तकलीफ हुई है उसका रत्ती भर किसी को एहसास नहीं है। कभी हमने सोचा कि यह समाज कहां जा रहा है? एक अंधी गहरी खाई में गिरने जा रहा है। चारों तरफ पैसे की होड़ लगी हुई है। जायज और नाजायज की कोई तमीज ही बाकी नहीं रही। बस पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, किसी भी शक्ल में आए, मगर पैसा आए। हमने अपनी जिंदगी की वैल्यूज और मोरल्स को भुला दिया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जजमेंट ऑन 17th। इस वीडियो क्लिपिंग ने इंसानी चेहरों पर पड़े रिश्तों के नकाब को बेपर्दा करके इन जालिमों के असली नीच और जलील चेहरे दिखाए हैं। उसे देखकर अदालत दंग रह गई है। इस केस पर लेडी जज इसलिए अपॉइंट की गई थी ताकि औरतों के साथ नाइंसाफी ना हो, उनकी छोटी से छोटी बात तवज्जो से सुनी जाए। लेकिन यह बात सच साबित हुई कि औरत ही औरत की दुश्मन है। एक औरत ने इंसानियत के मुंह पर कालिक पोतकर अपने आदर्श से गिरकर अपने पति पर इंसानियत सोस और हया सोस इल्जाम लगाया, वो भी सिर्फ अपनी अय्याशियों और मुट्ठी भर पैसों के लिए। और जब बेटी में इंसानियत जागी तो उसे भी रास्ते से हटा दिया। ऐसी औरत मां नहीं, डायन है। मां के नाम पर कलंक है। अदालत डिफेंस के जरिए उठाए गए सवालात से सहमत है और हुकूमत और दानिश्वरों से यह अपील करती है कि सामाजिक गिरावट की वजाहत का पता लगाकर उसे रोकने का कोई उपाय किया जाए। यह अदालत हुक्म देती है कि सबीना बेगम और आमरे को गिरफ्तार किया जाए और उन पर सागर हुसैन पर झूठा मुकदमा बनाने और बानो सागर हुसैन को गुमराह करके उसे कत्ल करने का भी मुकदमा चलाया जाए और उनकी दोनों बेटियों को आशा सदन भेजा जाए। और अदालत साथ ही साथ ये भी हुक्म देती है कि इस केस के आईओ के रोल की भी तहकीकात करके कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से अदालत को भी वाकिफ कराया जाए, क्योंकि
बिना पुलिस की मिली भगत के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। और जहां तक मिस्टर सागर हुसैन का ताल्लुक है, अदालत मिस्टर सागर हुसैन को बेकसूर मानती है और बाइज्जत बरी करती है। सवाल का रहने का क्या? खुद को संभालने का साला। वायरस की तरह फैला है। अभी नहीं बोलेगा। ऑल द बेस्ट निकला, ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था ना, खुद को खुद के हवाले कर दो। वो अपने नेक बंदों पर दाग नहीं लगने देता। आप यहां इसलिए नहीं आए थे कि आपने कोई गुनाह किया है। अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा है कि आप मुझे छुड़ाएं। सागर भाई, सात मर्डर किया, कोई अफसोस नहीं आप लोगों को, लेकिन तुम्हारा मर्डर करने का सोचा, जिंदगी भर अफसोस रहेगा। क्या करे, क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल की तरह सोचता है। हर सामने वाला आदमी क्रिमिनल दिखता है। सिर्फ ये नादिर साहब सच्चे थे जिन्होंने तुम्हें पहचाना। आ गले तो लग जाए यार। भाई, आज सागर हुसैन की छूटने की खुशी में पूरा जेल कुरंडी बनाएगा, पूरा जेल कुरंडी बनाएगा भाई। इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सागर, तुम्हारी जिंदगी जो जेल में बीत गई, उसे कानून वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी में कोई आज ना आए। साहब, एक गुजारिश है मेरी, मुझे पीछे के दरवाजे से निकाल दो। बाहर टीवी और मीडिया वाले खड़े होंगे, उनके सवालों के जवाब देने की ताकत नहीं है मुझ में। आओ मेरे साथ। देखा सागर हुसैन, कौन है यहां पर? लोग रोटियां वहीं सेकते हैं जहां आग जल रही होती है। टीवी और अखबार वाले उन्हीं के पीछे भागते हैं। तुम बेकसूर साबित हो चुके हो, तुम्हारी बेगुनाही से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोग बदनाम करने के लिए जमा होते हैं, बदनामी का दाग धुल जाने के बाद किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता, न मीडिया को न लोगों को। अब बताओ कहाँ जाओगे? मालूम नहीं साहब, रास्ते जहाँ ले जाए। सागर हुसैन आज भी कहीं ना कहीं आपके दरमियान मौजूद होगा। अगर मिल जाए तो उसे नफरत की निगाह से न देखना।